सो वेल गाइस, वेलकम बैक टू माई चैनल। तो गाइस, अगर नई वीडियो साथ में, तो गाइस आज के वीडियो में इस टाइप का भाई हेयर बनाना बताएंगे या फिर हेयर लगाना बताएंगे, ठीक है। तो गाइस, अगर आप लोग ऐसा हेयर अपने फोटो में बनाना या फिर लगाना चाहते हो, तो यार गाइस आपको क्या करना है, वीडियो को पूरा देखना है और हमारे चैनल सब्सक्राइब कर देना है, नोटिफिकेशन बिल को ऑल पे कर देना है, ताकि जो भी मेरा लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले आप तक पहुँचता रहे। और आप ऐसे ऐसे फोटो एडिट करके भाई क्या करो, अपने इंस्टाग्राम पे या फिर और भी प्लेटफॉर्म पे, अदर जो भी है, ठीक है, उस पर आप अपलोड करते रहो। तो गाइस, अगर आप लोग वीडियो भाई अच्छा लगता होगा, तो यार वीडियो को एक लाइक जरूर कर दीजिएगा। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, आपको अपना सिंपल फोटो ले लेना है। तो गाइस, मैंने अपना सिंपल फोटो ले लिया और अब उसको शेयर करना है। तो शेयर करना है आपको गाइस स्नैपसीड ऐप में। उसके बाद आपको टूल्स में जाना है। टूल्स में आपको जाना है टोनल कंट्रास्ट, ठीक है। टोनल कंट्रास्ट में जाने के बाद नीचे आना है, थोड़ा सा मिड टोन को घटा देंगे, ठीक है, जैसे मैं कम किया हूँ, फिर लो टोन को बढ़ा देंगे थोड़ा सा, और हाई टोन्स को भी थोड़ा सा घटा देंगे, ठीक है। इतना सिंपली आपको डन कर देना है। फिर आपको टूल्स पे जाना है, थोड़ा सा नीचे करना है, जाना है ट्यून इमेज, ट्यून इमेज जाना एम्बियंस पे जाना है, और एम्बियंस पे जाकर उसको थोड़ा सा बढ़ा देना है, ठीक है। इतना करने वाला आपको आ जाना है नीचे, और नीचे आने वाले डुअल एक्सपोजर पर क्लिक करना है, फिर प्लस वाला आइकन पर क्लिक करना है, और आपको एक बैकग्राउंड ले लेना है। इस बैकग्राउंड का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा मेरे टेलीग्राम चैनल पे, ठीक है। तो आपको टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना है, ठीक है। इसको अच्छे से एडजस्ट करने के बाद एक पानी की बूंद का दिख रहा होगा, उसको आपको ओपेसिटी को पूरा फिल कर देना है। उसके बाद से यहाँ पर डार्क एंड लाइट एंड यू एड जो भी है, ठीक है, इन सभी में से आप किसी को भी रख सकते हो। तो मैं यहाँ पर डिफॉल्ट रखता हूँ, ठीक है। इतना करने वाला सिंपली आपको शेयर के बगल में एक आइकन दिख रहा होगा, उस पर क्लिक करना है, फिर डुअल एक्सपोजर पे क्लिक करना है, पीछे पेंसिल वाला आइकन पे क्लिक कर देना है। यहाँ पे इनवर्ट पे भी आप क्लिक करके कर सकते हो, इनवर्ट को ऑफ करके भी कर सकते हो, ठीक है। तो इतना करने बाद आपको जूम करना है अपने फोटो को और ब्रशेस करने हैं। जैसे गाइस मैं ब्रशेस कर रहा हूँ, तो आप देख सकते हो मैंने यहाँ पे वीडियो को भाई फास्ट फॉरवर्ड किया, जबकि स्किप नहीं किया है। गाइस मैंने पिछली वीडियो में भाई स्किप कर दिया, तो भाई बहुत लोगों ने बोला फेक वीडियो है, फेक वीडियो है गाइस। तो मैंने स्किप ना करते हुए यहाँ पे फास्ट फॉरवर्ड कर दिया वीडियो को, तो आप देख सकते हो काफ़ी अच्छा लग रहा है इस तरह। तो गाइस, आपसे मैं वीडियो को फास्ट फॉरवर्ड कर दूंगा, बट स्किप नहीं करूंगा, तो इसके लिए डोंट माइंड यार। तो जैसे मैं अभी देखो, जैसे जूम करके ब्रशेस कर रहा हूँ, जितना ही आप जूम करो गाइस, उतना ही ब्रशेस छोटा हो जाएगा, ठीक है। तो आप हेयर का ऊपर का मत लो गाइस, ऊपर हम हेयर बनाएंगे तो अच्छा से बन जाएगा। तो देखो यहाँ पर मैंने एक्स्ट्रा कर दिया, तो नीचे इसको 100 पे करके मैंने सही कर दिया, ठीक है। तो आप देख सकते हो इतना करने से सिंपली सही वाले आइकन पर क्लिक कर देना है और डन कर देना है, ठीक है। उसके बाद आपको शेयर करना है, ऊपर शेयर वाला आइकन में क्लिक करके अपने फोटो को शेयर करना है। और फोटो को शेयर कहाँ करना है, अपने फोटो को शेयर करना है ऑटोडेस्कैप में। तो गाइस मैंने अपने फोटो का भी ऑटोडेस्कैप में शेयर कर लिया। तो गाइस इसमें अपना हेयर लगाएंगे, तो हेयर लगाने के लिए सबसे पहले कैंची वाला ऑप्शन में क्लिक करेंगे, आपको ऊपर एक कैंची का ऑप्शन दिख रहा होगा दूसरे नंबर पर, उस पर क्लिक करेंगे, इंपोर्ट इमेज पर क्लिक करेंगे, और एक हेयर का PNG मिलेगा, ठीक है। तो आप उस हेयर PNG को भाई मेरे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ से भी आप डाउनलोड कर सकते हो, ठीक है। तो जैसे आप देख सकते हो मैं उसको लगा रहा हूँ, सिंपली आप इसी तरह से आप उसको अच्छे से एडजस्ट कर लेना, और ऊपर सही वाले आइकन पे क्लिक करके उसको सही कर देंगे निशान पे, ठीक है। उसको लेयर पे क्लिक करके उस लेयर को मर्ज कर देंगे। तो आप देख सकते हो काफ़ी अच्छा सा हमारा हेयर एडजस्ट हो चुका है। तो इसके बाद आप फेस स्मूथ करने के लिए स्मज राउंड ब्रिटिश इस टूल को यूज़ करेंगे, और भाई सेटिंग आप देख लो और साइज़ अपने हिसाब से आप रख लीजिएगा, ठीक है। कितना करें आपको अपने फेस पे ब्रशेस करना है। जैसे गाइस मैं अपना फेस पे ब्रशेस कर रहा हूँ, तो आप देख सकते हो काफ़ी अच्छा सा हमारा फेस स्मूथ हो रहा है। तो गाइस आपको एकदम हल्का हल्का ब्रशेस करना है, ये नहीं कि जहाँ ब्लैक ब्लैक सा है आप वहाँ पर भी ब्रश करो, तो गाइस आपको वहाँ बिल्कुल भी ब्रश नहीं करना। अगर आप ब्लैक पर ब्रश करते हो तो आपको चेहरे पर ब्लैक जो भी है ब्लैक हो जाएगा। तो आप भाई इसका ध्यान रखना, और भाई जितना छोटा ब्रशेस करके करोगे छोटे जगहों पे, तो उतना ही अच्छे से भाई फेस आपका स्मूथ हो जाएगा। तो आप देख सकते हो काफ़ी अच्छे से मैंने अपने फेस को स्मूथ कर दिया, और भाई अच्छा भी लग रहा है इस तरह का फेस स्मूथ। तो इतना करने से आपको सिंपली से भाई क्या करना है, अब अपने फोटो को शेयर करना है। तो सबसे पहले वाले आइकन पर क्लिक करेंगे, शेयर पर क्लिक करेंगे, और अदर्स पर क्लिक करेंगे। अदर्स पर क्लिक करने के बाद गाइस अपने फोटो को शेयर कर लेना है लाइट रूम ऐप में, ठीक है गाइस। तो अभी मैंने अपने फोटो को लाइट रूम ऐप में शेयर कर दिया, और उसके बाद सिंपली से आपको अपना लाइट रूम ऐप को ओपन कर लेना है। तो यहाँ पे ओपन करने के बाद आप देखते हैं कितना देर में हमारा फोटो आया। तो गाइस अभी हमारा फोटो आ चुका है इसमें। इसमें आने के बाद आपको सबसे पहले जाना है लाइट्स में, ठीक है गाइस। तो ये आ रहा है हमारा लाइट्स वाला ऑप्शन, ठीक है। यहाँ पे क्लिक करने के बाद आपको नीचे आ जाना है, व्हाइट और ब्लैक को थोड़ा थोड़ा कम कर लेंगे, जिस तरह मैंने कम किया, शैडो को थोड़ा सा बढ़ा देंगे और हाईलाइट को भी कम कर देंगे, ठीक है। इतना करने के बाद हम आ जाएंगे इफेक्ट में, आप ये सेटिंग देख लो, ठीक है। इतना करने से हम आ जाएंगे इफेक्ट में, टेक्सचर को बढ़ा लेंगे, क्लियरिटी को बढ़ाने और थोड़ा सा डेज को भी बढ़ा देंगे। उसे कलर पे आएंगे, मिक्स पे क्लिक करें, सबसे पहले येलो को हम लोग ऑरेंज में कन्वर्ट करेंगे। तो आप देख सकते हैं मैंने येलो को ऑरेंज में कन्वर्ट कर दिया। फिर ऑरेंज पे जाएंगे और लुमिनियंस को कम करेंगे, सेचुरेशन को बढ़ा देंगे, ठीक है। तो इस तरह हम रेड पे जाएंगे और ह्यू को कम करेंगे और लुमिनियंस को बढ़ा देंगे। तो इसी प्रकार से अगर आप भी और भी कलर चेंज करना चाहते हो, तो उन सभी कलर्स को भाई चेंज कर सकते हो, बट मैं ज़्यादा कलर चेंज नहीं करूँगा, मुझे ये भाई इतना ही बहुत ही अच्छा लगता है, ठीक है। तो आप देख सकते हो मैंने काफ़ी
यहाँ पे ज़्यादा कलर ग्रेडिंग नहीं करा और बैकग्राउंड में भी ज़्यादा कलर्स नहीं है, तो भाई इस तरह का भी फोटो अच्छा लगता है। इसके बाद फिर से हम इफेक्ट में आएंगे, विगनेट को और फीदर को कम कर देंगे, सॉरी मिड पॉइंट को और फीदर को बढ़ा देंगे, ठीक है। तो इतना करने के बाद हम भाई डिटेल्स पे आ जाएंगे, मास्किंग को बढ़ा लेंगे, जो डिटेल उसको कम करेंगे, फिर मास्किंग नॉइस रिडक्शंस को बढ़ा लेंगे, डिटेल को कम कर लेंगे, कंट्रास्ट को भी बढ़ा लेंगे और कलर नॉइस को भी बढ़ा लेंगे, ठीक है गाइस। तो आप देख सकते हो, और डिटेल और स्मूथनेस को पूरा बढ़ा देना है, सॉरी पूरा नहीं, थोड़ा थोड़ा, ठीक है गाइज। तो अभी आप देख सकते हो गाइज, हमारा फोटो बन हो चुका है बिल्कुल रेडी, आप मैंने आपको जूम करके भी दिखा दिया। तो गाइज़ अगर ऐसा फोटो एडिट कर लेते हैं यार वीडियो के, एक लाइक भी कर देना। तो गाइज़ बहुत जल्दी मिलेंगे एक और नए वीडियो साथ में, तब तक के लिए टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।